चलिए जी, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास में मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं और उस मैथमेटिकल रीजनिंग में हम कुल 35 प्रकार के प्रश्न करने वाले हैं। मतलब 35 से ज्यादा हो सकते हैं, कम होने का चांस नहीं है। यानी कि जो मैथमेटिकल रीजनिंग आप लोग पढ़ते हैं, आमतौर पर 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पर के छोड़ देते हैं, उसी मैथमेटिकल रीजनिंग को 35 प्रकार की रीजनिंग हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और जिनमें हमने क्लास में 18 प्रकार की रीजनिंग आपको कंप्लीट करा दी है। यानी कि मैथमेटिकल रीजनिंग के अंतर्गत बनने वाले 18 प्रकार के क्वेश्चन कंप्लीट हैं। आज 19वां और 20वां प्रकार का यहाँ बता दूंगा। धीरे धीरे क्लास भी कवर होता जाएगा और कुछ बच्चे जो सीखना चाहेंगे वह सीख भी लेंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट सुनिएगा कि देखिए, जो भी रीजनिंग आप 35 प्रकार का पढ़ रहे हैं, यह रीजनिंग में ही नहीं मैथ में भी क्वेश्चन आते हैं, याद रखेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं टाइप नंबर 19 का। 18 टाइप क्लास में हो गए हैं, 19वां टाइप यहां पर मैं करा देता हूं, क्लास में नहीं कराऊंगा। टाइप नंबर 19 में हम लोग पढ़ते हैं हाथ मिलाने वाले प्रश्न, क्रिकेट वाले प्रश्न, गले मिलने वाले प्रश्न और उपहार वाले प्रश्न। क्या पढ़ते हैं टाइप नंबर 19 में? हाथ मिलाने वाले प्रश्न, इसी में पढ़ते हैं गले मिलने वाले प्रश्न, गले काटने वाले नहीं मिलने वाले, इसी में हम लोग पढ़ते हैं क्रिकेट या खेल वाले प्रश्न, इसी में हम लोग पढ़ते हैं, बस इतना हम लोग पढ़ लेते हैं। फिर आगे जो होगा टाइप नंबर 20 में हम पढ़ेंगे उपहार से रिलेटेड प्रश्न। देखिए टाइप नंबर 19 में हम हाथ मिलाने वाले प्रश्न पढ़ेंगे, हाथ मिलाने वाले प्रश्न, ठीक है, गले मिलने वाले प्रश्न पढ़ेंगे और क्रिकेट खेल वाले प्रश्न पढ़ेंगे। याद रखिएगा, या तो हाथ मिलाने को बोलेगा, या तो गले मिलने को बोलेगा, या तो क्रिकेट खेलने या किसी भी खेल से संबंधित प्रश्न आपसे पूछेगा। तो इसी के रिस्पेक्ट में पहला क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं और आप प्रयास करेंगे इसको बताने का, ठीक है। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप हेडिंग लगा लेंगे टाइप नंबर 19। याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि एक पार्टी में 6 दोस्त एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। कह रहा है एक पार्टी में, लिखते हैं एक पार्टी में 6 दोस्त एक दूसरे से हाथ मिला। कितने दोस्त हैं? 6 दोस्त एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो कुल कितनी बार हाथ मिलेगा? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी, प्यारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। कुल कितनी बार हाथ मिलेगा, या इसी को बोलेगा कुल कितनी बार हैंड शेक होगा। क्या होगा? हैंड शेक होगा। अब कुछ लोग हैंड शेक का मतलब है नहीं समझेंगे। हैंड शेक का मतलब एक हाथ या ये जो हाथ मिलता है इसी को बोलते हैं हैंड शेक। क्या बोलते हैं? हैंड शेक। आइए क्वेश्चन को कर रहे हैं। कह रहा है एक पार्टी में 6 दोस्त है। कितने दोस्त? 6 दोस्त एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो कुल कितनी बार हाथ मिलेगा, या कुल हैंडशेक कितना होगा, यह क्वेश्चन आपसे पूछा है। ध्यान से समझेंगे, जो क्वेश्चन हाथ मिलाने वाला होगा वही क्वेश्चन गले मिलने वाला होगा, वही क्वेश्चन क्रिकेट वाला होगा, वही क्वेश्चन खेल वाला होगा। बस पैटर्न बदल जाएगा, क्वेश्चन बदल जाएगा, लेकिन मेथड सेम रहेगा। कह रहा है एक पार्टी में 6 दोस्त एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो बताइए कुल कितनी बार हाथ मिलेगा। मतलब छोटो दोस्त है, ध्यान से समझिएगा, छोटो दोस्त है और एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। तो आप कहेंगे 6 दोस्त एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो कुल कितनी बार हाथ मिलेगा, ऐसे जोड़ा कितनी बार बनेगा। तो आप दिमाग में सोचकर कहेंगे 30 बार। बिल्कुल गलत है, कान खोलकर सुन लीजिएगा, बिल्कुल गलत है। 6 दोस्त हैं और 6 एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो या तो कहेंगे 30 बार या तो कहेंगे 36 बार, जो दोनों आंसर गलत है। आइए समझते हैं आंसर क्या होगा। चलिए एक पार्टी हम लेते हैं, यह पहला दोस्त है, या दूसरा दोस्त, या तीसरा दोस्त, या चौथा, या पांचवा और यह 6वां दोस्त है। ध्यान से देखिएगा, एक बात बताइए, यह पहला दोस्त, दूसरा दोस्त, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, यह 6 के 6 दोस्त हैं, एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। अब एक बात बताइए, जब पहला दोस्त शुरुआत करेगा मिलना, पहला दोस्त तो अपने आप से कोई हाथ मिलाएगा? अरे महाराज, मान लीजिए कि हमें पहले दोस्त हैं, तो क्या हम अपने आप से हाथ मिलाएंगे? नहीं, हम अपने आप से हाथ नहीं मिलाएंगे, बाकी जो 5 है उनसे जाकर मिलाएंगे। तो कोई भी अपने आप से हाथ नहीं मिलाता है, इससे मिलाएगा, यह व्यक्ति इससे मिलाएगा, यह व्यक्ति इससे भी मिलाएगा, यह व्यक्ति इससे भी मिलाएगा, इससे भी मिलाएगा, इससे भी मिलाएगा। सहमत है कि नहीं? बिल्कुल। अरे अपने आप से तो मिलाएगा नहीं, इससे मिलाएगा, इससे मिलाएगा, इससे मिलाएगा, इससे मिलाएगा, इससे मिलाएगा, ठीक है। इसके बाद बारी आती है दूसरे व्यक्ति का, तो दूसरा व्यक्ति बताइए कि अपने आप से मिलाएगा नहीं मिलाएगा? अपने आप से कौन हाथ मिलाता है?
अपने आप से मिलाएगा, नहीं मिलाएगा। अब बताइए क्या पहले व्यक्ति से मिलाएगा, पहले व्यक्ति से आकर मिलाएगा? अरे पहले भी व्यक्ति से नहीं मिलाएगा, हाँ मत बोलो, नहीं मिलाएगा। क्यों नहीं मिलाएगा है क्वेश्चन। सबसे पहले यह मैं करूंगा और यह आप करेंगे, करेंगे ना, बिल्कुल करना पड़ेगा ही, करा है एक पार्टी में, ध्यान से सुनिएगा, करा है ध्यान से सुनिएगा, पार्टी में व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, पार्टी में कुछ व्यक्ति रख देते हैं, यही कुछ का मान हमें ज्ञात करना है ना, पार्टी में कुछ व्यक्ति, हमें इस बार क्वेश्चन में हमें नहीं पता कितने व्यक्ति हैं, हाँ यह है कि कुछ व्यक्ति हैं, कितने 10 20 30 कुछ भी हो सकते हैं, 25 50। कर पार्टी में कुछ व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, ठीक है जी। कुल हैंडशेक मतलब हाथ मिला, कुल हैंडशेक 45 है, कुल हाथ कितनी बार मिला है 45 है, इस बार खुद बता दिया कितनी बार है 45। तो पार्टी में व्यक्तियों की संख्या बतानी है प्यारे बच्चे, व्यक्तियों की संख्या, आप बताइए हैंडशेक कुल कितनी बार हैंडशेक हुआ है, पेपर बोला है सर कुल कितनी बार 45 बार हैंडशेक हुआ है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप ऑप्शन से करिए, व्यक्तियों की संख्या मतलब व्यक्ति ही तो मिलाए होंगे तो 45 हुआ होगा, अगर व्यक्तियों की संख्या 9 रहती मतलब 9 व्यक्ति हैं, 9 व्यक्ति हैं तो कितनी बार हाथ मिलेगा, यहां से ज्ञात कर लीजिए, तो ऑप्शन से ही कर लेते हैं, 9 व्यक्ति हैं, 9 9 में से, अरे फार्मूला n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 तो लगता है, तो हम माने अगर 9 व्यक्ति सही उत्तर होता तो 9 में से कम करे 8 हो जाता, बटे में 2 करते 9 चौक को 36 बार तो हाथ मिलता नहीं, जबकि हाथ कितना मिला 45 बार, यह ऑप्शन नंबर ए गलत है। इसको चेक करिए, अगर 10 व्यक्ति है 10 से कम करके ना डिवाइड बाई 2 करेंगे काटेंगे कितने बार में 5 9 5 45 तो कितना हाथ मिला, अगर 10 व्यक्ति होते कितनी बार हाथ मिलता 45 बार, पेपर वाले ने भी कहा कि 45 बार हाथ मिला है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि 10 को हमने लिया 45 आ गया, 45 यहाँ भी है, यह भी सही होगा। चलिए इसको भी कर लेते हैं, कहें आप मेहनत करेंगे भाई, है ना, करा है कुछ क्रिकेट टीमें, करा कुछ क्रिकेट टीमें आपस में क्रिकेट खेलती हैं, कुछ क्रिकेट टीम जो है आपस में क्रिकेट खेलती हैं, आगे बोला है कुल खेल 78 हुआ, मतलब क्रिकेट विकेट खेल ली तो टोटल अगर खेल देखा गया तो टोटल खेल कितना हुआ 78 हुआ, तो कितनी टीमों ने भाग लिया, हमसे क्वेश्चन पूछा है कि कितनी टीमों ने भाग लिया, प्यारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा कितनी टीमों ने भाग लिया, अगर हम ऑप्शन 13 को पकड़ते हैं तो 13 13 में से कम करते हैं 12 12 बटे 2 करेंगे काटेंगे 6 चांस में 13 छक्के, अरे वाह 78 टीमों ने भाग लिया, 78 हमारा उत्तर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें अगले टाइप का, चले देखेंगे उपहार वाले प्रश्न, ध्यान से समझेंगे, समझिए उपहार वाले, करा है किसी पार्टी में 6 लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं, कुल उपहारों की संख्या बताइए जो वितरित हुई, मतलब पार्टी है उसमें 6 लोग एक दूसरे को उपहार दे रहे हैं, तो ही हमसे पूछा है कि उपहारों की संख्या बताइए। आप एक बात बताइए, अभी हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था हाथ मिलाने वाले प्रश्न में, यन इंटू यन माइनस वन और डिवाइड बाई टू करते थे, क्योंकि 2 बार हैंडशेक होता था तो डिवाइड बाई टू करते थे। यहां देखिए कह रहा है किसी पार्टी में 6 लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं, कुल कितना उपहार वितरित होगा इसकी संख्या हमें ज्ञात करनी है। आप एक बात बताएं, इसी 6 लोग हमने लिख लिया, बताइए क्या पहला व्यक्ति अपने आप को उपहार देगा, नहीं देगा, दूसरे को देगा, तीसरे को देगा, चौथे को देगा, पांचवें को, छठवें को, और उपहार में कई चीज हो सकता है, कोई जरूर है साड़ी हो सकता है, सूट हो सकता है, कोई गिफ्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, इसी प्रकार से उपहार देगा। अब बताइए पहला व्यक्ति तो अपने आप को, हम अपने आप को उपहार नहीं देंगे यार, बाकी सबको तो दे सकते हैं, इसी प्रकार से कोई अपने आप को नहीं देगा, बाकी सबको दे सकता है। अब एक बात बताइए, दूसरा व्यक्ति की बारी आई, दूसरा अपने आप को नहीं देगा, बाकी सबको देगा, क्या पहले को देगा, तो पहले को कहेंगे बिल्कुल देगा, हाथ मिलाने वाले प्रश्न में नहीं रहता था लेकिन इसमें बिल्कुल रहेगा, क्योंकि उपहार चाहे गिफ्ट चाहे न्योता इसीलिए हम दूसरे को देते हैं कि जब होकर बारी आएगी तू हमको देगा, सही है ना। अगर 100 रुपए हम देकर आते हैं तो उम्मीद रखते हैं बॉस वो 100 रुपए लेकर आएगा, नहीं अगर बवाल हो जाएगा, कोनो 500 गिफ्ट दे दिए तो उपहार आप भी उम्मीद रखेंगे कि हमारे तरफ भी आएगा, कम से कम 500 की चीजें आएगा, तो अगर पहला दे दिया था तो जब पहले के घर पड़ेगा तो दूसरे को भी देना पड़ेगा, अपने आप को नहीं देगा, बाकी सबको देगा। तीसरा व्यक्ति अपने आप को नहीं देगा, भाई दोनों जाकर दिए थे न्योता, जाएगा न्योता देगा, इनको देगा इनको, बाकी क्या करेगा, इनको देगा। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चौथे व्यक्ति की बारी आएगी, अपने आप को नहीं देगा, बाकी इसको देगा। पांचवे व्यक्ति की बारी आएगी, अपने आप को नहीं देगा, इसको देगा।
है ना। और छठवें को देगा, छठवें व्यक्ति के बारे में अपने आप को नहीं देगा, बाकी इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा। तो कुल गिनिए कितना उपहार वितरित हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30। तो कुल कितनी उपहार वितरित हुआ सर, 30 उपहार वितरित हुआ। कितने उपहार, 30 को, कितने उपहार वितरित हुए, 30। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, 30। आप 15 नहीं करेंगे, दोनों में अंतर है। कितना उपहार वितरित हुआ, 30। आप इस मेथड से आपके दिमाग में आ गया, इस मेथड से आपके दिमाग में आ गया, परंतु इस मेथड को आपको अप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि बड़ा आ जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर 100 व्यक्ति दे दे, तब तो आप दिनों भर इससे चिन्ह खासते रह जाएंगे। तो इसके लिए भी कोई शॉर्ट ट्रिक चाहिए, है ना। एक बात बताइए, जब व्यक्ति हाथ मिलाते थे तो हम 2 से भाग लगाते थे, और एक व्यक्ति न्योता दिया, दूसरा लौटा दिया, तो कहां 2 हुआ, वो तो खत्म हो गया ना। जैसे हाथ मिलाने वाला प्रश्न होता था, हम क्या करते थे, n इंटू n माइनस 1 और डिवाइड 2 करते थे, 2 लोग मिलाते थे। और यहां तो लौटा दिया, जब यह इसको दिया तो यह इसको लौटा दिया, खत्म हो गया। यानी कि 2 वाला कॉन्सेप्ट हटा देंगे, बस नीचे से 2 हटा दीजिए, इसका फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू n माइनस 1, यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। लगा कर देख लीजिए, n क्या है, 6 व्यक्ति हैं, 6, और 6 में से एक कम करेंगे, 5, 6, 25, 30। कितना उपहार वितरित होगा, 30। बात खत्म। कितना उपहार वितरित होगा, 30 उपहार वितरित होगा, बातें खत्म। तुरंत इसका फार्मूला, जब भी उपहार वाले प्रश्न हो, n इंटू n माइनस 1, बात खत्म, n इंटू n माइनस 1, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2-3 करा देते हैं फटाक फटाक से, आप लोग लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, किसी पार्टी में 10 व्यक्ति एक दूसरे को फूल वितरित करते हैं। फूल तो बटाइबे करता है पार्टी में, है ना, याद रखिएगा। किसी पार्टी में 10 व्यक्ति एक दूसरे को गुलाब वितरित करते हैं, गुलाब फूल, गुलाब वितरित करते हैं। सबसे ज्यादा लात खाता है गुलाब, है ना, वितरित करते हैं। कुल कितना गुलाब होगा, कुल कितना गुलाब, गुलाब वितरित होगा, वितरित होगा। गुलाब भी एक प्रकार का गिफ्ट होता है। क्या करते हैं, यन इंटू यन माइनस 1, 2 काटेंगे। अरे 2 इसलिए नहीं काटेंगे क्योंकि आदान प्रदान होकर खत्म हो गया। तो कितना है, 10 में से कम करेंगे, 9, 10, 9, 90, बात खत्म। अगला क्वेश्चन, 10, 9, 90। एक क्वेश्चन आपके पेपर में दिया है, मैं बता देता हूँ क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है, किसी पार्टी में 16 व्यक्ति एक दूसरे को उपहार वितरित करते हैं। किसी पार्टी में 16 व्यक्ति एक दूसरे को उपहार वितरित करते हैं, तो कुल कितना उपहार होगा। तो 16 × 16 में से कम करेगा, 16 × 15 = 240, कितना उत्तर हो जाएगा, 240। 16 × 15 = 240। एक क्वेश्चन बोल लूंगा, आप लोग लिखेंगे। क्वेश्चन है, सुनिएगा, किसी पार्टी में कुछ व्यक्ति उपस्थित है, कुछ व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देते हैं। कुल उपहारों की संख्या 90 है, कुल उपहारों की संख्या 90 है, तो व्यक्तियों की संख्या बताइए। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11 और ऑप्शन डी 12। फिर वही काम किससे करेंगे, ऑप्शन से, क्योंकि इसमें दे दिया है ना, दिखाई दे नहीं दे रहा, पता नहीं क्या है ना। देखिए, इसी पार्टी में कुछ व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देते हैं, ये तो चीजें पता है ना, उपहार उपहार तो इसे बढ़ता है, पार्टी में दिया जाता है, लिया जाता है, याद रखिएगा। कुल उपहारों की संख्या कितनी है, 90। इस बार कुल उपहार ही दे दिया है, कुल उपहार 90 है, तो कितने व्यक्ति होंगे यह पूछा है, कितने व्यक्ति पार्टिसिपेट किए हैं यह पूछा है। तो इसमें चेक कर लेते हैं ऑप्शन से, अगर 9 व्यक्ति रहते, 9 × 1 कम करते, 9 × 8 = 72, उपहार 72 होना चाहिए था जबकि 90 है, गलत। ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं, 10 व्यक्ति है, एक कम करेंगे 9, 10 × 9 = 90, अरे वाह, यानी 10 × 9 = 90, तो यानी कि कितने उपहार वितरित हुए, 90, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। 11 का करते, 11 में से कम करते, 10 रहता, 11 × 110 उपहार हो जाता, नहीं होता। 12 को करते, 12 में से कम करते, 12 × 11 कर देते, 132 हो जाता, यह भी नहीं होता। क्या ऑप्शन पर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए, देखते हैं कितने लोग बताते हैं, बताएंगे, है ना। किसी पार्टी में, सुनिएगा, किसी पार्टी में है ना 100 लोग भाग लेते हैं, कितनी बार गले मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में उत्तर ठोकिए, देखते हैं कितने लोग आता है।